देश की एकता और अखंडता और भाईचारे को जिंदा रखने वाले मंच हिंदू मुस्लिम सिख इकाई एकता कमेटी द्वारा इंदौर के द्वारा कौमी एकता सद्भावना मंच पर हर साल की तरह इस साल भी मंच तैयार कर मुख्य अतिथि को बुलाकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर उपस्थित वरिष्ठ समाजसेवी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस मंच हम अपने प्यारे भारत के लोगों से अपील निवेदन करते हैं कि देश में एकता और अखंडता भाईचारा सद्भावना बनी रहे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। इस मौके पर इशरत अली सहरकाजी, पूर्व विधायक अश्विन जोशी, कांग्रेस नेता रमीज भाई, मंजूर भाई, कमाल भाई, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ऑल इंडिया मंसूरी समाज के जिला अध्यक्ष रईस भाई मंसूरी, महेश मोदी जी, पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष विधानसभा क्षेत्र 4 मोहन दाकोलिया, गोलू अग्निहोत्री, महेश मोदी, सत्यनारायण मोदी, राकेश सी एडवोकेट, महेश ओटकर, शेखर ओटकर, संजू भाई, इरफान अली, निसार भाई, पत्रकार एम एच खुजनेरी, कमाल भाई, पूर्व भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष मोहन जी, कांग्रेस नेता रमेश यादव जी, उपाध्यक्ष भाजपा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 मनीष जी, कांग्रेस नेता लियाकत अली, संयोजक एकता मंच मंजूर बेग, इनायत हुसैन, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हज कमेटी हैदर भाई, रफीक भाई, अनवर भाई आदि मौजूद रहे। देखिए पूरी खबर आज तक 24 न्यूज़ पर एम एच खुजनेरी के साथ। बहुत देता हूं इस मंच की शोभा, वह कार्यक्रम का जज्बा, कुछ भी कहो नेताओं से तो जमता है और वो नेता भी जमीन का होना चाहिए। तो अश्विन भाई जब आए तो अश्विन भाई ने कहा, बोले यार मोहन भाई, कमाल भाई को फिर उन्होंने एक बात की जो मुझे याद आई। उन्होंने कहा ये अपना हाथी है, हाथी के पैर के नीचे। ऐसा ही किस्सा मुझे एक दिल्ली का याद आता है। आज जब राजेश खन्ना दिल्ली में चुनाव लड़ रहे थे, मैं विद्याचरण शुक्ला के साथ उस आम सभा में गया तो विद्याचरण शुक्ला मुझसे बोले ये नवल कुमार स्वर शर्मा है, इनको बोल दो कि अपने को उसकी जगह जाना है। तो मैंने कहा ठीक, मैं उठा और मैंने नवल किशोर शर्मा को, नवल किशोर शर्मा का परिचय दे, गुजरात के गवर्नर रहे। किसी शायर ने कहा है कि ये मोर्चा जो भी मोहब्बत मुझे सिखाए, ये मोर्चा भी मोहब्बत कभी सिखाए मुझे, संतुष्ट पे गिरे और जग भाए मुझे, वो मेरा दोस्त है सारे जहां को है मालूम, दगा करे वो किसी से तो शर्माए मुझे। भाइयों, ये इस देश की बुनियाद आजादी की लड़ाई सबने मिलकर लड़ी। इस देश में अमन अमान कायम था, है और रहेगा। मुस्लिम सिख ईसाई एकता कमेटी के कौमी एकता सद्भावना मंच पर मौजूद हैं, यानी कि इस्लामी नया साल का आज शुरुआत हुई है, क्या कहेंगे इस मंच पर? हिंदू मुस्लिम कमेटी का ये सालों से इस त्यौहार को मना रहे हैं और मनाते आते हैं और सभी एकता से मनाते हैं, इसीलिए इस कार्यक्रम को मनाने के लिए सभी लोग, सभी वरिष्ठ नेता इकट्ठे होते हैं, भाईचारे से इस कार्यक्रम को मनाते हैं।
जी सर, हमारे साथ मंजूर बेग जो एक वरिष्ठ समाज सेवी है वो मौजूद है। जी सर, क्या कहेंगे सर? मैं कहना चाहता हूँ जो लाभलिया बेरो है लगातार 47 साल से आलम खड़ा होता है, लियाकत अली शाह साहब जो है बड़ी मेहनत करते हैं और हिंदू मुस्लिम लोगों को यह एकत्रित कर कर जो माँ अहिल्या के नगरवासी चाहते हैं, जो माँ अहिल्या चाहती है, वो एकता और भाईचारे का पैगाम इस लाभलिया बेरो से पूरे प्रदेश ने पूरे देश में जाता है। हमारे साथ ऑल इंडिया मंसूरी समाज के जिला अध्यक्ष हैं। जी सर, इस मंच के माध्यम से क्या कहेंगे आप? इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हिंदू मुसलमान जो एकता का जो प्रोग्राम है पूरे शहर के अंदर ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए।